हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फी मानशो और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में, जो कि अगेन राजस्थान का एक मेडिकल कॉलेज है। तो इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यहां का पेशेंट फ्लो कितना है, यहां का फीस स्ट्रक्चर कितना है, डिटेल में फीस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा पूरी स्लाइड के साथ। तो सारी चीज़ें आपको यहां पे आज पता चलने वाली है। तो आपके लिए कॉलेज अच्छा होगा कि नहीं होगा वो पता चल जाएगा। तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एक काफी अच्छा एंड पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है उदयपुर राजस्थान में। एंड 2015 में जो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो कॉलेज है 25 एकर्स के कैंपस एरिया में फैला हुआ है, काफी अच्छा नीट एंड क्लीन आपको वाइब कैंपस से मिलेंगी एंड खुला खुला कैंपस है। आप इजिली ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी काफी सारी अच्छी है यहाँ पे। तो अच्छा कॉलेज है, अच्छी सारी फैसिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी एफिलिएशन के बारे में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो इंस्टीट्यूट है वो एफिलिएटेड है एंड एनएमसी के द्वारा प्रॉपरली अप्रूव्ड है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी बात है। एंड हॉस्पिटल एफिलिएटेड है अनंता हॉस्पिटल से। तो अब अनंता हॉस्पिटल की बात हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के पेशेंट फ्लो के बारे में। तो देखो, इसका जो पेशेंट फ्लो है वैसा फिक्स नहीं है, बट वेरी करता रहता है। तो 800-2000 पर डे का वो देखने को मिलता है। और जो इसके टोटल बेड्स है, टीचिंग बेड्स, वो 800 यहाँ पे बेड्स अवेलेबल है। तो वो भी एक काफी बड़ा हॉस्पिटल आप इसको कह सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली इसका पेशेंट फ्लो एवरेज आप मान सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज पेशेंट फ्लो के साथ ये कॉलेज आता है, हॉस्पिटल आता है। तो हॉस्पिटल में आपको सारी चीजें अच्छी खासी मिलने वाली है, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। 24/7 मतलब कोऑपरेटिंग स्टाफ मिलेगा आपको यहाँ पे, और मतलब कैफेटेरिया वगैरह भी 24/7 ओपन रहते हैं, ब्लड बैंक, सारी फैसिलिटीज ऑब्वियसली आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पे 150 टोटल सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस के लिए। और बाकी तो देखो हॉस्पिटल की बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो अब एक एक करके क्या बताएं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। नीट की काउंसलिंग के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका नीट में स्कोर नहीं है, इसमें आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो है गेट एडमिशन के पास। अब गेट एडमिशन क्या करता है, आपका जितना भी नीट का स्कोर है, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो गेट एडमिशन ट्राई करता है आपका एडमिशन कराने में। अब उसकी क्या प्रोसेस है वो तो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बजट यानी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बजट आपके अंडर होगा तभी तो आप इसको अप्रोच करेंगे ना, तभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एडमिशन लेना है। तो बस आगे बढ़ते हैं। तो अनंता मेडिकल कॉलेज जो है उसका उदयपुर में, उसकी जो जनरल कोटा फीस है वो है 18 लाख पर ईयर। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो है 24 लाख पर ईयर। 10,000 आपको यहाँ पे वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है जब फर्स्ट ईयर में, और अदर ईयरली चार्जेस लाइक मिसलेनियस चार्जेस पर ईयर के 35,000 अलग आपको पे करनी पड़ेगी हर साल। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2.5 लाख करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है। हॉस्टल फीस आपकी 2 लाख, 2 बेड्स, नॉन एसी, मतलब 2 बेड वाले कमरे में 2 लाख आपकी फीस है नॉन एसी वाले कमरे की, ठीक है। अब अगर एसी लेते हैं तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बढ़ के आ जाएगी। तो अगर मैं टोटल पैकेज की बात करूँ तो जनरल कोटा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 91,67,500 आपका ये पैकेज होगा, और मैनेजमेंट वाले का लिए होगा 1,37,15,000। तो देखो, अब आपने बजट देखा, अगर आपके अंडर ये बजट आता है तो आप इसको ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपको मैनेजमेंट कोटा लगेगा, तो आपकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी है, तो आपके बजट के ऊपर है आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो देखो, अगर आपका नीट में स्कोर नहीं है, नीट में अच्छा मार्क्स नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो आप गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपको हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो नीट का जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंडिया के अंदर कॉलेज, परफेक्ट कॉलेज दिलाने में पूरी हेल्प करेगा। तो आप जरूर कॉल करें एक बार गेट एडमिशन को और अपने सारे डाउट क्लियर कर लें, या फिर व्हाट्सएप लिंक दिया गया हमारा, आप उस पर भी लिंक पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे डाउट्स हमें लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इसकी फैसिलिटीज वगैरह के बारे में। द इंस्टीट्यूट हैज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स विद क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल स्टाफ। दिस इंस्टीट्यूट इन राजस्थान रन बाय अवार्ड विनिंग डॉक्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ रेपिटेड्स। अनंता मेडिकल कॉलेज उदयपुर, सिंस इट्स इंसेप्शन विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी टू द पेशेंट्स फॉर क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक सपोर्ट। तो देखो यार, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे आपको सारी मिलने वाली है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड। यहाँ पे आपको भाई कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। मेडिकल फैसिलिटी तो ऑब्वियसली अच्छी खासी है ही, एंड आपको यहाँ पे ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, फुली एसी क्लासरूम्स, वाईफाई की फैसिलिटी सारी मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा कॉलेज माना जा सकता है। बाकी तो आप अपने बजट वगैरह सारी चीज़ों के लिए अगर ओके हैं तो कॉल करें गेट एडमिशन को, अपने एडमिशन के लिए आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो बस दिक्कत किस बात की है। तो आई थिंक इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।